आज का टेम्परेचर है हमारे चंडीगढ़ में 47 डिग्री सेल्सियस। या कोई इवेंट लगा हुआ है, मैं चला जाता था। दो बार गिर गया यार। गाड़ी पहुंच चुके 3:05 पर, आप पहुंच चुके यूट्यूब चैनल वेगा व्लॉग्स पर और हम लोग गए चंडीगढ़ में। हाय, दिस इज दीपक शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेगा व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन जिसका नाम है ए ट्रिप टू फ्रांस, और ये लगा हुआ है सेक्टर 36 के आलियांस फ्रांसिस इंस्टीट्यूट में। और इसका जो टाइम है वो है 11 बजे से 5 बजे तक, और अभी बज चुके हैं 3। तो बोले तो अपने पास बहुत ही कम टाइम है इस व्लॉग को शूट करने का, तो फटाफट से चलते हैं और पहुंचते लोकेशन पर, क्योंकि आज लास्ट डेट भी है। हम लोग हमेशा लास्ट डे पर ही पहुंचते हैं। ये वाला जो नुस्खा है ये हमको बताया हमारे रविंदर भाई ने कि गाड़ी पे थोड़ा सा वाइपर मार लेना चाहिए पानी के साथ, ताकि जो मिरर पे हीट है उसका असर थोड़ा सा कम हो जाए और कूलिंग जल्दी हो जाए। और हमारे सूत्रों से पता चला कि आज का टेम्परेचर है हमारे चंडीगढ़ में 47 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आज एग्जीबिशन का लास्ट डे है तो इसलिए शूट करना भी जरूरी है, और इसीलिए आज ये गाड़ी का सहारा लिया गया है। वैसे अभी तक जो पुराने वाला व्लॉग था उसकी एडिटिंग कम्प्लीट नहीं हुई है, लेकिन ऐसा है ना कि अगर मैं एडिटिंग पे बैठा रहता ना तो आज का ये वाला जो व्लॉग है ये मैं आपको नहीं दिखा पाता। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि पहले हम ये वाला व्लॉग शूट कर लेते हैं और एडिट के वक्त हम लोग टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कर लेंगे इस बार। तो आ जाओ। और जीतो जी, ऐसा है कि फोटोग्राफी एग्जीबिशन में मुझे हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। बल्कि अगर न्यूज़पेपर में भी मैं सबसे पहले यही देखता हूँ कि लैंडस्केप का कौन सा फोटोग्राफ आया हुआ है और अलग अलग तरह की कौन सी फोटोग्राफ्स आई हुई हैं, तो इसका मुझे बचपन से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। और कॉलेज टाइम के बाद से मैं लिस्ट निकाल के रखता था कि कौन से इवेंट होने वाले, कौन से एग्जीबिशन होने वाले, मैं जाकर विजिट करता था। और ये जो फोटोग्राफी एग्जीबिशन है इसका मेन थीम है ए ट्रिप टू फ्रांस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रांस से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस होगा किसी फोटोग्राफर का वो उन्होंने अपनी फोटोग्राफ्स के थ्रू हमको दिखाया होगा इस एग्जीबिशन में। एंड आई एम रियली वेरी सुपर एक्साइटेड। आज तक मैंने चंडीगढ़ का फोटोग्राफी एग्जीबिशन देखा है, लंदन का भी एक एग्जीबिशन मैंने देखा था जो कि लगा हुआ था सेक्टर 8 चंडीगढ़ में, काफ़ी पहले की बात है। और पेंटिंग एग्जीबिशन तो खैर हम देखते ही रहते हैं, लेकिन पहली बार ये हमको मौका मिला है कि हम फ्रांस का कोई फोटोग्राफी एग्जीबिशन देखें। तो आई एम रियली वेरी सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस। तो फटाफट से चलते हैं और इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। ऑलराइट जी, तो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आलियांस फ्रांसिस इंस्टीट्यूट में, और ये वही जगह है जहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, और उस टाइम पर मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया था और उस वाले व्लॉग में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। तो आई कार्ड में लिंक है, जाके आप वो वाला व्लॉग चेक कर सकते हो। लेकिन आज हम व्लॉग करके रहेंगे और यहीं पर ही व्लॉग करेंगे, तो चलते हैं फटाफट से और चल के देखते हैं कि अपने को क्या देखने को मिलता था। आ जाओ। Oh,
जी ये वाला फोटोग्राफी एग्जीबिशन देख के हमारा हो गया है और अपने को यहाँ से ये बुकलेट मिला है जिसमें एग्जीबिशन में मौजूद सभी फोटोग्राफ्स को लगाया गया है और उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसको मैं आराम से बैठ के पढ़ूंगा और इसको मैं संभाल कर रखने वाला हूँ। और आज भी हमारे साथ पोपट होते होते बचा। जैसे मैं गेट पर एंटर हुआ मैंने वहां पर उनको बोला कि ये जो फोटोग्राफी एग्जीबिशन है ये मुझे देखना है। तो सामने से जवाब आता है कि ये जो फोटोग्राफी एग्जीबिशन है ये तो खत्म हो चुका है। तो मैंने फटाफट से घड़ी में टाइम चेक किया और उनको कहा कि टाइम तो 5 बजे तक का था ना, अभी तो 3:30 बजे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि बाहर गाड़ी आई है और वो लोड होने वाली है, तो आप अंदर जाके देख लो, अगर फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगा हुआ है तो आप देख लेना। और जैसे ही मैं अंदर गया वहां पर मुझे एक और सर मिले और उनको मैंने बोला कि ये जो फोटोग्राफी एग्जीबिशन है इसको हम देखना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहां पर ये फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगा हुआ है लेकिन ये हटने वाला है क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, तो आप फटाफट से जाकर देख लो। तो इसीलिए हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम था और फटाफट से हमने बीरोस लिए और ये वाला व्लॉग आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। आई होप आपको ये व्लॉग देखने में मजा आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और इस आज के व्लॉग में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस एपिसोड। इस नेक्स्ट एपिसोड तक खुश रहिए, आवाज रहिए, खुशियां बांटते रहिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में।